अपन भाग दो के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में कर्मभूमि उपन्यास का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है और यह हमारे स्नातक भाग दो के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। आज हम मानस के हंस उपन्यास के विषय प्रकाशन वर्ष की जानकारी प्राप्त करेंगे, उपन्यास के पात्रों से परिचित होंगे। इसके अतिरिक्त इस उपन्यास के जो कथानक हैं उसका संक्षेप जानकारी प्राप्त करेंगे। मानस का हंस उपन्यास का जो विषय है वह विषय तुलसीदास हैं और प्रकाशन वर्ष है 1972। अर्थात मानस का हंस उपन्यास पूर्णतः एक जीवनी परक उपन्यास है जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का एक प्रसिद्ध रचना है जो 1972 ईस्वी में रचा गया था। यह एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें तुलसीदास के जीवन को प्रारंभ से लेकर अंत तक दिखाया गया है। तुलसीदास जी को एक अति साधारण सहज मानव के रूप में नागर जी ने प्रस्तुत किया है और साधारण मनुष्य के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो उनको दुर्दिन देखने होते हैं, उन सबका चित्रण नागर जी ने मानस के हंस उपन्यास में किए हैं। आइए पात्रों से परिचित होते हैं कि मानस के हंस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है। मुख्य पात्र में रामभोला जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास जी के बचपन का नाम था रामभोला। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी हैं। राजा भगत जो एक काशी के विद्वान हैं। बटेश्वर नाथ मिश्र जो तुलसीदास के विरोधी हैं। कैलाश कवि आदि ये मुख्य पात्र में आए हैं। रामभोला अर्थात तुलसीदास, रत्नावली, राजा भगत जिसको मेघा भगत के नाम से भी जाना जाता है, बटेश्वर नाथ मिश्र और कैलाश कवि ये मुख्य पात्र हैं। उपन्यास के गौर पात्रों में पार्वती अम्मा जो रामभोला का पालन पोषण करती हैं, रामकली, छबीली माली, अहिर आदि एक गौर पात्र हैं। इन पात्रों के अतिरिक्त भी नरहरिदास, पंडित गंगाराम, दीनबंध पाठक, आचार्य सनातन राय, टोडरमल आदि जैसे दर्जनों पात्र उपन्यास में सम्मिलित हैं। उपन्यास के पात्रों को जानने के बाद उपन्यास का कथानक समझना अति आसान हो जाता है, साधारण हो जाता है। तो आइए हम कथानक क्यों चलते हैं और देखते हैं कि मानस के हंस उपन्यास में नागर जी ने तुलसीदास के जीवन को किस प्रकार दिखा रहे हैं। सबसे पहले तुलसीदास का व्यक्तित्व। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की रात है, तेज बारिश हो रही है और उस तेज बारिश में तीन व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उन तीनों व्यक्तियों को राजा को पहुंचने की चिंता है। वह तीन व्यक्ति कौन हैं? तो उन तीन व्यक्तियों में एक तुलसीदास जी, एक बेनी माधव जो तुलसीदास के जीवन का वृत्तांत लिखते हैं उपन्यास में, और तीसरा रामू। ये तीनों राजा को पहुँचते हैं। तुलसीदास जी एक 90 वर्ष की अवस्था में दिखाई देते हैं। उस 90 वर्ष की अवस्था में भी उनका जो व्यक्तित्व है वो अत्यंत सुगठित है। कसरती शरीर है उनका, बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने हाथ में लाठी, गले में जनेऊ और तुलसी की माला पहने हुए हैं। वह राजा को रत्नावली से भेंट करने आते हैं और उनकी भेंट के उपरांत ही रत्नावली का देहावसान हो जाता है। तुलसीदास का राजापुर में समय व्यतीत करना। उपन्यास में ही तुलसीदास जी जब राजापुर पहुंच जाते हैं तो वहाँ वो कुछ दिन तक निवास करते हैं। राजापुर के लोगों के आग्रह पर तुलसीदास वहाँ निवास करते हैं और प्रातः काल में वह संकट मोचन की कथा सुनाते हैं। वह कथा सुनने के बाद जो नर नारी होते हैं वो अत्यंत संतोष का अनुभव करते हैं और कहीं ना कहीं तुलसीदास जी अपनी कथाओं के माध्यम से उन्हें सांत्वना देने का काम करते हैं। जब तुलसीदास जी राजापुर से जाने को तत्पर होते हैं तो उन्हें कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया जाता है कि कुछ दिन और आप यहाँ पे रुक जाइए। कहते हैं कि यदि मैं रुकूंगा तो इसी शर्त पे रुकूंगा कि जब मैं चलूंगा तो राजा भगत को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस तरह से शर्त के साथ वह कुछ दिन और राजापुर में निवास करते हैं।
होने के बाद जब उनकी अवधि पूरी हो जाती है तो राजा भगत के साथ ही चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और वहां राम जियाओं के आश्रम में वह रहना प्रारंभ कर देते हैं। चित्रकूट में ही उन्हें ऐसा माहौल बनता है, ऐसा वातावरण बनता है कि उन्हें अपने जीवन का वृत्तांत बताना पड़ता है, अर्थात कैसे वह बचपन में पिता के द्वारा परित्यक्त हुए, कैसे पार्वती अम्मा के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ और एक दिन वह बालक अर्थात राम बोला तुलसीदास जी जब भीख मांग कर आते हैं, घर पहुंचते हैं तो एकमात्र सहारा जो उनकी पार्वती अम्मा थी वह भी दिवंगत हो गई रहती है, एक बालक पूरी तरह से अनाथ हो जाता है और ऐसी स्थिति में भी उसे उस गांव में रहने नहीं दिया जाता और अंततः वह गांव छोड़कर भी तुलसीदास जी को राम बोला को वहां से जाना पड़ता है। इस तरह तुलसी का प्रेम प्रसंग। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली, लेकिन नागार्जुन इस उपन्यास में तुलसीदास जी के प्रेम प्रसंग को भी दिखाया है कि तुलसीदास जी मोहिनी नाम की एक स्त्री पे अनुरक्त थे और मोहिनी से मिलने हेतु ही वह मेघा भगत के वहां रोजाना जाया करते थे कि उसी बहाने वह मोहिनी को देखेंगे, मोहिनी से मिलेंगे। इनका रोजाना का क्रम रहता है, 5-6-7 दिन व्यतीत हो जाता है, रोजाना मेघा भगत के वहाँ जाते हैं और मोहिनी को देखते हैं, मोहिनी पे अनुरक्त होते हैं। एक दिन भगत जी के मर्म वचनों से आहत हो जाते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि यह क्या कर रहे हैं, यह राम प्रेम को छोड़कर मोहिनी प्रेम में पड़ रहे हैं जो कि उचित नहीं है। इसके बाद वह उनके वहाँ जाना छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद यह मोहिनी के घर जाते हैं और जब मोहिनी के घर जाते हैं तो मोहिनी की जो माँ है यह दोनों लोगों के प्रेम को ताड़ लेती है, जान लेती है और जब जान लेती है तो फटकार लगाती है, कड़वे वचन बोलती है और उसकी माँ के कड़वे वचन तुलसी को आहत करते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते हैं और तुलसीदास जी अपने उस क्रिया को, अपने उस व्यवहार को तुरंत परिवर्तित कर लेते हैं और लाख कहने पर भी मोहिनी के वो पुनः उस जाल में नहीं उलझते, नहीं पड़ते। तुलसीदास का अयोध्या में समय बिताना, उपन्यास में भी आता है कि तुलसीदास जी कुछ समय अयोध्या में भी रहते हैं। एक बार तुलसीदास जी को रात्रि में स्वप्न में वाल्मीकि के दर्शन होते हैं और उस माध्यम से, उस स्वप्न के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वो अयोध्या जाएं और अयोध्या जाकर अवधि में राम की कथा को लिखें, रामायण की कथा को लिखें। तुलसीदास जी उस स्वप्न से प्रेरित होते हैं और अयोध्या चले जाते हैं कि मुझे स्वप्न में ऐसा आदेश दिया गया है सीता माँ के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा कि मैं अवधि में राम कथा लिखूँ, राम कथा का वर्णन करूँ, तो इस उद्देश्य से अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में वह कथा बाँचने का काम शुरू कर देते हैं और उनके सुंदर वाणी के माध्यम से, उनके सुंदर कथा वाचन के माध्यम से पूरी जनता, पूरी प्रजा उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और भीड़ लगनी शुरू हो जाती है उनकी कथा को सुनने के लिए। ऐसे में कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जो इनकी प्रसिद्धि देख के जलना शुरू कर देते हैं, इससे द्वेष रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी की प्रसिद्धि में उनके इस कार्य में कोई व्यवधान उससे नहीं आता। तुलसीदास का अयोध्या छोड़ने का निर्णय, तुलसीदास जी अयोध्या में रह रहे होते हैं, कथा वाचन करते हैं, रामचरितमानस लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिए रहते हैं, तभी उनको विवश होकर अयोध्या छोड़ना पड़ता है, अयोध्या छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, इसको नागार्जुन ने बताया कि तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर दिए थे। ऐसे में जो कुछ वर्ग थे, ब्राह्मण वर्ग जो तुलसीदास से जलते थे, उनकी प्रसिद्धि को देख के जलते थे, उन्होंने एक रात रामचरितमानस को चुराने के लिए चोर भेज दिया और अंततः वह चोर पकड़ा गया। इससे तुलसीदास जी ने निर्णय लिया कि मैं अयोध्या छोड़ दूंगा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रामचरितमानस के लिखने में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो और इसी के साथ वह अयोध्या छोड़ करके पुनः काशी चले जाते हैं और काशी आकर अपने मित्र गंगाराम के वहाँ रहने लगते हैं। रामचरितमानस को लेकर झगड़ा, अंततः तमाम मुसीबतों के का सामना करने के उपरांत रामचरितमानस पूर्ण होता है और जब वह
पूर्ण हो जाता है, उसकी लेखनी पूर्ण हो जाती है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में मत उठने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ वर्ग रामचरितमानस का समर्थन करता है तो कुछ उसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी का विरोध किया जाता है। बटेश्वर मिश्र तुलसीदास जी को कैद कर लेता है और अंधेर विवश होकर उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। तुलसीदास का निधन। काशी में प्लेग की बीमारी फैली रहती है, महामारी आई रहती है। तुलसीदास जी अपने सेवकों के साथ दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और सेवा में लगे रहने के कारण उस रोग से तुलसीदास भी प्रभावित हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। और ये जानते हुए कि अब मेरा निकट समय आ रहा है, मेरे जाने का समय आ रहा है, वह अपने साहित्य में अपने कृतित्व में कोई कमी नहीं करते हैं, लिखना और साहित्य रचना जारी रहता है। अचानक से वह एक भक्ति गीत गाने लगते हैं, और सामने दीवार पर टंगी सीता राम हनुमान की तस्वीर को निहारते हैं, देखते हैं, और देखते देखते उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, अर्थात वह अपने आराध्य राम के चरणों को प्राप्त कर चुके होते हैं। भयंकर वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, और उस वर्षा के साथ साथ लोगों की आंखें भी बरसती हैं। इस प्रकार से तुलसीदास के जन्म से लेकर, अर्थात जब तुलसीदास के जन्म हुआ, आत्मा राम दुबे जो उनके पिताजी थे, तुलसी जो उनकी माँ थी, जन्म से लेकर और निधन तक का पूरा विवरण मानस के हंस उपन्यास में प्राप्त होता है। तुलसीदास जी प्रारंभ में अति साधारण मानव होते हैं, इतना साधारण जो भीख मांगने का काम करता है, और उपन्यास का अंत होते होते वह रामचरितमानस की रचना के साथ अमर होते दिखाई देते हैं। इस प्रकार मानस का हंस एक जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें इतिहास और कल्पना का भी सुंदर समन्वय है। मुख्य पात्र के रूप में तुलसीदास जी हैं, पूरा उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर ही आधारित है। उपन्यास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है। छोटा प्रश्न है लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर हम यह जान लें कि पूरा मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, तो उपन्यास को पढ़ने के साथ साथ तुलसीदास के पूरे जीवन को हम जान लेते हैं। उनके जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहता है, कि कब उनका विवाह होता है, किस प्रकार होता है, कैसे उनका पालन पोषण होता है, कैसे वह इतने महान स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, किस प्रकार एक प्रेरणा मिलेगी, एक कठिनाइयों से जूझने की क्षमता आती है मानस का हंस उपन्यास पढ़ने के उपरांत। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है, तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, भीष साहनी, प्रेमचंद। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? प्रारंभ में हम लोग पढ़े हैं कि मानस का हंस का विषय तुलसीदास जी हैं, और प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन वर्ष 1932। मानस का हंस 1932 में लिखा गया, प्रतियोगी परीक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा, दोनों ही दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। मानस का हंस उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र हैं नर हरिदास, आत्माराम, बेनी माधव, तुलसीदास। पूरा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है, सबसे प्रमुख पुरुष पात्र के रूप में कौन आ सकता है, तो जिसके जीवन की बात कही जाए, जो उपन्यास के शुरू से लेकर अंत तक एक कड़ी के रूप में काम करे, एक केंद्र के रूप में काम करे, वही प्रमुख पुरुष पात्र होता है। तो हम जब पढ़ते तो देखते हैं कि तुलसीदास शुरू से लेके और अंत तक एक केंद्र के रूप में रहे हैं, इसलिए प्रमुख पुरुष पात्र में तुलसीदास जी की हमारे सामने आए हैं। इस तरह से मानस का हंस उपन्यास के पात्र परिचय, संक्षेप कथानक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की कक्षा ये समाप्त होती है। अगली कक्षा में मानस के हंस प्रमुख व्याख्या भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।